कंप्यूटर शॉर्टकट कीज का उपयोग कई लोग अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के कार्य को फास्ट और इजी तरीके से करने के लिए यूज करते हैं। इनमें से कुछ बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट कीज तो हमें मालूम होते हैं, परंतु कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। आज के वीडियो में हम इन शॉर्टकट कीज के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप कंप्यूटर शॉर्टकट कीज इन हिंदी में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में यूजफुल बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट कीज इन हिंदी, ऑल फंक्शन शॉर्टकट कीज, एमएस वर्ड शॉर्टकट कीज, एक्सेल शॉर्टकट कीज, विंडोज की शॉर्टकट, गूगल क्रोम एंड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर शॉर्टकट कीज, आउटलुक शॉर्टकट कीज से जुड़ी सभी चीज़ों को अच्छे से इस वीडियो में समझने वाले हैं। कंप्यूटर शॉर्टकट अल्टर या कंट्रोल की के साथ उपयोग किए जाने वाले कीज का एक सेट है जो सॉफ्टवेयर या एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड देता है, और ये शॉर्टकट कीज लगभग सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कार्य करते हैं। आइए सबसे पहले हम कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट कीज के बारे में जानते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में जो शॉर्टकट कीज आता है वो है Ctrl+A। Ctrl+A का यूज सभी डॉक्यूमेंट्स या फाइल फोल्डर या टेस्ट को एक ही बार में सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का यूज करते हैं। इसका यूज हम एमएस वर्ल्ड में करके देखने वाले हैं, विद प्रैक्टिकल हम इसके बारे में जानने वाले हैं। एमएस वर्ड, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे सिस्टम पे एमएस वर्ड ओपन है, तो हमें Ctrl+A का यूज करना है। मैं अपने कीवर्ड से Ctrl+A प्रेस किया। जैसे ही मैंने Ctrl+A प्रेस किया तो जितने टेक्स्ट हैं ये पूरे ऑल टेक्स्ट ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेक्ट हो चुके हैं। तो हम एमएस वर्ड में Ctrl+A की मदद से डॉक्यूमेंट्स फाइल या फोल्डर या टेक्स्ट को एक ही बार में पूरा सिलेक्ट करने के लिए हम Ctrl+A का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट कीज है वह है Ctrl+B। Ctrl+B का यूज टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, अब इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो Ctrl+B। Ctrl+B मैंने जैसे ही अपने कीबोर्ड से प्रेस किया तो ये पूरे टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो चुके हैं। तो एमएस वर्ड में हम Ctrl+B की मदद से टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट कीज है वह Ctrl+C। Ctrl+C की मदद से टेस्ट फाइल फोल्डर को हम कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन टेस्ट को कॉपी कर ले रहा हूँ। Ctrl+C की मदद से मैंने कॉपी कर लिया, अब इसको मैं यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि मैंने Ctrl+C की मदद से इन टेस्ट को कॉपी किया और Ctrl+V की मदद से मैं इन टेस्ट को पेस्ट कर दिया। तो एमएस वर्ड में हम Ctrl+C की मदद से टेस्ट फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। Ctrl+D। Ctrl+D का यूज हम फ्रंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए इसका यूज करते हैं। कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करना है। जैसे ही Ctrl+D प्रेस करेंगे आपके सामने फ्रंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप इसमें अपने फ्रंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्रंट की साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फ्रंट का स्टाइल कैसा रहेगा, बोल्ड रहेगा, रेगुलर रहेगा, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। चलिए इसे मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। नया जो शॉर्टकट कीज है वह Ctrl+E। Ctrl+E की मदद से टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए इसका यूज किया जाता है एमएस वर्ड में। यह आप लोग देख रहे होंगे अ वेरिएबल है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब Ctrl+E की मदद से इसको मैं सेंटर में लेके आऊंगा। Ctrl+E, इंस्टर वेरिएबल, इसको Ctrl+E की मदद से जैसे ही मैंने Ctrl+E प्रेस किया तो ये सेंटर में आ गया। तो एमएस वर्ड में Ctrl+E की मदद से टेस्ट को सेंटर में लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। Ctrl+F।
कंट्रोल प्लस एफ की मदद से डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को फाइंड करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में अगर किसी भी शब्द को फाइंड करना है तो आप कंट्रोल प्लस एफ की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं। इनसाइट को मैंने यहाँ सेलेक्ट करके रखा और मैं यहाँ कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करूँगा जिससे यहाँ फाइंड शब्द जो है वो ऑलरेडी सर्च बॉक्स में आ गया है। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे जितने भी इनसाइट है वो ऑलरेडी यहाँ फाइंड हो चुके हैं, सिलेक्टेड पीले कलर में इसको सिलेक्ट कर दिया है वर्ड। तो एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एफ की मदद से डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी शब्द को फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ की मदद से हम उस शब्द को फाइंड कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस जी, चलिए इसको कैंसिल कर दे रहे। कंट्रोल प्लस जी की मदद से किसी पेज में या डायरेक्ट लाइन में हम जाने के लिए कंट्रोल प्लस जी का यूज करते हैं। सब कुछ हमारा जो एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट्स है वो 200 से 300 पेज में है। अब हमें पेज नंबर 10 से हमें पेज नंबर 100 में जाना है तो हम स्क्रॉल करके जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कंट्रोल प्लस जी की मदद से हम इजीली कुछ ही समय में आसानी से पहुंच जाएंगे। चलिए इसका प्रैक्टिकल देख रहे हैं। कंट्रोल प्लस जी प्रेस किया, आप यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट फाइंड एंड रिप्लेस। आप पेज यहाँ से जा सकते हैं, इंटर पेज नंबर, आपको जिस पेज में जाना है आप यहाँ का पेज नंबर इंटर कर दीजिए और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए तो आप जिस पेज नंबर पे आपको जाना चाहते हैं आप वहाँ चले जाएंगे। सेक्शन चेंज कर सकते हैं, कमेंट, फुट नोट। तो आप कंट्रोल प्लस जी की मदद से किसी भी पेज या किसी लाइन में डायरेक्ट इजी जा सकती है। कंट्रोल प्लस एच का यूज किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल के स्थान पर मुझे कुछ दूसरा शब्द रखना है तो आप कंट्रोल प्लस एच प्रेस करके मैं इसके स्थान पर कुछ दूसरा शब्द रख सकता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कंट्रोल प्लस एच मैंने अपने कीवर्ड से प्रेस किया तो यहाँ रिप्लेस करने का ऑप्शन आ गया। अब वेरिएबल के स्थान पर मैं यहाँ सपोज अपना नाम रखना चाहता हूँ और इंटर रिप्लेस ऑल। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ जितने भी वेरिएबल शब्द थे उसके स्थान पे रवि हो चुके हैं। कंट्रोल प्लस एच की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करते हैं तो हमने ये देखा कि जो वेरिएबल था उसके स्थान पे अब रवि आ चुका है। कंट्रोल प्लस आई की मदद से हम एमएस वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए इसका यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस आई, मैंने रवि को यहाँ सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस आई प्रेस करूंगा तो जो रवि है वो इराटिक मूड पे आ चुका है। तो कंट्रोल प्लस आई की मदद से हम टेक्स्ट को इराटिक मूड में एक्टिवेट करते हैं। सपोज यहाँ आप लोग देख रहे होंगे जो पूरे टेक्स्ट हैं ये नॉर्मल टेक्स्ट है और ये इराटिक टेक्स्ट है। तो कंट्रोल प्लस आई की मदद से हम एमएस वर्ड में टेक्स्ट को इराटिक करने के लिए इसका यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस के की मदद से हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एच का यूज हम एमएस वर्ड में करते हैं। कंट्रोल प्लस के जैसे ही मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया तो इंसर्ट हाइपरलिंक यहाँ ओपन हो गया, ब्राउजर पेज, रिसेंट फाइल, करंट फोल्डर। तो कंट्रोल प्लस के की मदद से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसको क्लोज कर दे रहे। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एल की मदद से हम एमएस वर्ड में एलिजेंट टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए इसका यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एल, आप लोग देख रहे होंगे कि जो एलिजेंट टेक्स्ट है वो लेफ्ट से राइट हो रहा है। चलिए मैं आपको एक बार और दिखा दे रहा हूँ। आप ऊपर जहाँ मेरा माउस का जो सर्कल है आप वहाँ देखिएगा तो जैसे ही मैं यहाँ एल प्रेस करता हूँ तो ऊपर जो है वो लेफ्ट से राइट में जा रहा है। तो कंट्रोल प्लस एल की मदद से हम जो टेक्स्ट है उसको एलिजेंट टेक्स्ट को हम लेफ्ट या लेफ्ट में लाने के लिए इसका यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एम की मदद से हम इंडेंट फ्रॉम टेक्स्ट के लिए इसका यूज करते हैं। आपको सिंपली अपने कीवर्ड से कंट्रोल प्लस एम प्रेस करना है तो जिससे जो टेक्स्ट है वो इंडेंट हो जाएंगे फ्रॉम, तो इसमें जो कुछ गैप आ जाएगा। नेक्स्ट जो शॉर्टकट कीज है वो है कंट्रोल प्लस एन।
कंट्रोल प्लस एन की मदद से हम एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए इसका यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एन मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ कंट्रोल प्लस एन प्रेस किया तो मेरे सामने एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया है। आपको अपना माउस का यूज नहीं करना है, आपको फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आसानी से आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन की मदद से न्यू फाइल को, न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ की मदद से एमएस वर्ड में पहले से सेव फाइल को ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो भी आपका फाइल है एमएस ऑफिस में स्टोर है, सेव है, तो आप कंट्रोल प्लस ओ की मदद से उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ मैंने अपने लैपटॉप से कीबोर्ड में जैसे ही प्रेस किया तो जितने भी मेरे सेव फाइल हैं वो यहाँ ओपन हो चुके आ गए हैं। अब इसमें मैं क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर सकता हूँ। तो कंट्रोल प्लस ओ का यूज हम एमएस वर्ड में सेव फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। पी, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी का यूज डॉक्यूमेंट्स या फाइल को प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सपोज ये मेरा फ्रंट पेज है, इसको प्रिंट करना है तो मुझे माउस को यूज नहीं करना है, तो आसानी से मैं कंट्रोल प्लस पी प्रेस करूंगा तो प्रिंटर बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पी प्रेस किया तो प्रिंटर का ऑप्शन आ गया है। मैं यहाँ अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाइड कर सकता हूँ। प्रिंट ऑल पेज, द वॉल थिंग, प्रिंट वन स्लाइड, कलेक्टेड नो स्टैम्प, एनी डिस्क प्रिंटर। तो सबसे पहले मुझे इसके साथ अपने लैपटॉप के साथ प्रिंटर कनेक्ट करना होगा, जो मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया है। तो कंट्रोल प्लस पी की मदद से हम डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू का यूज रिवर्स इंडेंट के लिए किया जाता है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करेंगे तो जो टेक्स्ट है वो रिवर्स इंडेंट हो जाएगा। और जब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस किया तो जो मेरा टेक्स्ट है वो रिवर्स इंडेंट फ्रंट में आ चुका है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस आर का यूज एलिजेंट टेक्स्ट को राइट में लाने के लिए यूज करते हैं। और हमने पहले देखा कि कंट्रोल प्लस एल का यूज एलिजेंट टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए इसका यूज किया जाता है, वही जो कंट्रोल प्लस आर का यूज है वो एलिजेंट टेक्स्ट को राइट में लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आर प्रेस करना है तो जो एलिजेंट टेक्स्ट है वो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि ये राइट वाले एरिया में चला गया है। तो कंट्रोल प्लस आर की मदद से हम एलिजेंट टेक्स्ट को राइट में लाते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वह कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस की मदद से हम फाइल को सेव करने के लिए एमएस वर्ड में इसका यूज करते हैं, या फाइल या डॉक्यूमेंट्स को हम कंट्रोल प्लस एस की मदद से सेव कर सकते हैं। आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस प्रेस करना है तो जो आपका फाइल है ये सेव हो जाएगा। ये आप लोग देख रहे होंगे सेव द फाइल, मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस प्रेस किया तो ये फाइल सेव होने के लिए आ गया, पर अभी मैं इसको सेव नहीं करता, इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें इसका यूज सीखना है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी की मदद से हैंगिंग आइडेंट करने के लिए जो टेक्स्ट है उस तो हैंगिंग आइडेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस टी का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस टी, जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस टी कीबोर्ड से प्रेस किया तो जो टेक्स्ट है वो हैंगिंग आइडेंट हो गया, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट लाइन का जो वर्ड्स हैं वो पूरे लाइन में कवर कर रहे हैं, बट जो हमारा सेकेंड लाइन है उसमें से गैप आ गया। तो कंट्रोल प्लस टी की मदद से हम टेक्स्ट को हैंगिंग आइडेंट करते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू की मदद से जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस यू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लोकल वेरिएबल है इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस यू प्रेस करना है तो जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस बस करना है, आपको माउस को हाथ भी नहीं लगाना है और आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। बार बार आपको माउस को टच करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी की मदद से आप एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट आपने कॉपी की है, जो फोल्डर जो फाइल है आपने उसको कॉपी की है, तो उसे पेस्ट करने के लिए आप
कंट्रोल प्लस वी का यूज कर सकते हैं। मैंने सभी फाइल को कंट्रोल प्लस सी की मदद से कॉपी किए रहा, मैं यहाँ कंट्रोल प्लस वी की मदद से इस सारे फाइल को वापस पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि यह नंबर वाइज बढ़ चुका है और मैंने यहाँ इसे कंट्रोल प्लस वी की मदद से प्रेस कर दिया। तो एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस वी का यूज टेस्ट फाइल या डॉक्यूमेंट्स को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए किया जाता है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओपन है तो आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की मदद से उसे क्लोज कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे जैसे मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस किया तो सबसे पहले फाइल को क्लोज करने के लिए आपको इसको सेव करना होगा। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इस फाइल को सेव करें या तो आप सेव ना करें। तो इस फाइल को मैं भी सेव नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे आगे भी ट्यूटोरियल बताना है, तो अब मैं यहाँ से कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की मदद से हम डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स की है वो है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स की मदद से हम एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को और टेक्स्ट को कट करने के लिए इसका यूज करते हैं। हम इसका यूज फाइल फोल्डर में भी कर सकते हैं। तो मैं एमएस वर्ड में बता रहा हूँ, तो एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट है उसको हम कट करने के लिए करते हैं। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब कंट्रोल प्लस एक्स अपने कीवर्ड से प्रेस करूंगा तो जो टेक्स्ट है वो कट हो चुका है। तो कंट्रोल प्लस एक्स की मदद से हम इस टेक्स्ट को कट करते हैं। कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई की मदद से लास्ट सेक्शन को रेडो यानी वापस लाने के लिए किया जाता है। जो आपने टेक्स्ट हटा दिया है उसे वापस लाने के लिए आप कंट्रोल प्लस वाई का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने कंट्रोल प्लस एक्स की मदद से उस टेक्स्ट को हटा दिया रहा और कंट्रोल प्लस जेड का यूज करके उसको अंडो कर दिया रहा, उसी प्रकार कंट्रोल प्लस वाई की मदद से जो लास्ट सेशन में रहता उसको मैं रेडो करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड की मदद से जो टेक्स्ट है उसको अंडो करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने जाए जो टेक्स्ट है एनी के बाद वो यहाँ से हट गया है। अब मैं टाइप करूँगा तो बहुत समय लगेगा, ये वाई फाइल यहाँ से हट गया है। तो कंट्रोल प्लस मैं यहाँ से जेड प्रेस करूँगा तो जो टेक्स्ट है वो यहाँ वापस आ जाएगा। तो कंट्रोल प्लस जेड की मदद से जो टेक्स्ट गायब हो जाते हैं उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड, इस दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। कंट्रोल प्लस वाई का सिंपल ही यूज है जो लास्ट सेक्शन में आपने जो फाइल को हटा दिया था उसको रेडो करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स की मदद से यहाँ से फाइल को मैंने हटा दिया, उस फाइल को मुझे रेडो करना है, तो आप कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करके आसानी से उसे रेडो कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने कंप्यूटर शॉर्टकट कीज के बारे में फुल वीडियो वॉच किया। हमने ये देखा कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ए सी कंट्रोल प्लस जेड का यूज कैसे करते हैं और यूज करने में इसके क्या फायदे हैं। तो आज की वीडियो में हमने पूरा ये वॉच किया। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।